एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। मैं उम्मीद करती हूँ आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरा गोल्ड कलेक्शन। तो ये देखिए, यही ज्वेलरी है मेरे पास, जो कि ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है मेरे पास, लेकिन जो भी है मेरे लिए यही बहुत सारा है मेरे लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए ये है मेरा गोल्ड कलेक्शन का बॉक्स, यही है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ जो मैंने वेयर किया हुआ है, जो मैंने पहना हुआ है। कंटिन्यू करते हैं, तो ये रहा एक शाखा जो कि मैं हमेशा पहनती रहती हूँ। आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग में मेरे हाथ पे देखा होगा। और ये ऐसा वाला एक टूट गया था, जिसकी वजह से मैंने इसको ठीक करवाने के लिए दिया, तो मैंने ठीक करवाया है इसको, लेकिन मैं मतलब लगा नहीं रही हूँ इसको, क्योंकि ये इतना टाइट है ना, मतलब खोलने में मेरी हालत ख़राब हो रही है, जिस वजह से ये ऐसा ही मुझसे ना हिम्मत नहीं हो रही थी यार इसको खोलने की, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। एक दो दिन के अंदर मैं पहन लूँगी। और उसके बाद सेकंड है इसी के साथ में लगाने के लिए, देखिए पोला। वैसे मेरे पास इन सभी चीज़ों का बॉक्स नहीं है, बहुत तकलीफ़ से मैंने ऐसा वाला बॉक्स अरेंज किया है बस आप लोगों को दिखाने के लिए और स्टोर करने के लिए भी। मेरे पापा के दुकान से जो ज्वेलरी आती है ना, मैं उनमें से कुछ एक बॉक्स ले आती हूँ। तो ये रहा, ये देखिए, इसको पोला बोलते हैं हम लोग। इसके साथ मैं ये भी हमेशा ही पहनती हूँ, लेकिन अभी खुल के रख दिया। ये देखिए, तो ये रहा पोला, एक शाखा एक पोला है मेरे पास। और इसी के अंदर जो इसमें था ना, ये मेरी लड़की का है, छोटी वाली बेटी का, ईशा का है। ये देखिए, बाद ये है एक बॉक्स, इसके अंदर है मेरा एक और चूड़ी, पता नहीं मुझे ना इनका नाम क्या क्या है, हिंदी में क्या है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ऐसा वाला दो और चूड़ बोलते हैं या चूड़ी बोलते हैं, पता नहीं, जो भी कुछ बोलते हैं। और चूड़ियों में वैसे दो और चूड़ी है जो कि इसके अंदर रखा हुआ है। जैसे ये बॉक्स ना किसी और चीज़ का है, मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, तो दो और चूड़ी है ऐसे, ये ब्रॉन्ज के ऊपर है। ये सब चूड़ियाँ जो है इनको तोड़ने से कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसा वाला दो चूड़ी और है। तो यही तक था मेरा चूड़ी, और नहीं है मेरे पास चूड़ी। तो अभी आते हैं मतलब फिंगर रिंग पे। तो ये है एक फिंगर रिंग, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो गया था, जिस वजह से मैंने इसको पीछे धागे से बांध दिया था। तो ये था, मेरे पास एक ही फिंगर रिंग है जो यही है। और इसके बाद ये है दूसरा बॉक्स, इसके अंदर है इयर रिंग, ये देखिए, ये एक टॉप है। वैसे किसने दिया क्या ये सब मैं कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे किसी ने दिया ही नहीं यार, जो भी कुछ है वो सब मेरे हस्बैंड ने दिया है, सब कुछ मुझे उन्होंने ही दिया है। मैं एक एक चूड़ी के साथ इनकी हिस्ट्री नहीं बता रही हूँ। तो ये गया एक इयररिंग, और ये रहा दूसरा बॉक्स जिसके अंदर है दूसरा इयररिंग, ये देखिए। मुझे इन सब का नाम वाम नहीं पता है वैसे, क्या बोल मामा, खुल भी ना, खुल भी ना, नाम वाम नहीं पता है। उफ्स, गिर गया, ये देखिए। ये रहा तीसरा, ये भी मैंने पापा की दुकान से लेकर आई मैं, ये देखिए, बॉक्स नहीं था मेरे पास। ये देखिए, ये
ये वाला ईयरिंग मेरे बर्थडे पे दिया था, आप लोगों ने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स में देखा होगा, इस वाले ईयरिंग को मैंने दिखाया है आप लोगों को। और इसके बाद ये है तीसरा बॉक्स, ये देखिए ये भी एक ईयरिंग है। ये मेरा मम्मा आ गई मेरे पास, और उसी के साथ एक और छोटा सा ईयरिंग, ये देखिए ऐसा वाला, और उसी के साथ है ये। और हाँ, ये वाला ईयरिंग मैं दिखाना भूल गई जो मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, ये देखिए ये वाला ईयरिंग। आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग में, हर वीडियो में, मतलब सालों सालों से मैं यही पहनती हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, मैं दूसरा कुछ नहीं पहनती। इसका मतलब पीछे वाला हुक कैसे है ना, तो मतलब कुशन पे किसी भी चीज़ पर अटकता नहीं है, बच्ची को भी तकलीफ़ नहीं होती थी जिस वजह से। और ये रहा मेरे पास हार, आप हार बोलोगे या क्या बोलोगे इसको नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरा नेकलेस ही है, ये देखिए, ये देखिए। इसकी भी मैं फोटो लगा दूंगी साइड में। और इसी के साथ है एक चोकर, तो मैं सारी चीजों की फोटो लगा दूंगी यहाँ पर, आप लोग देख लेना प्लीज एक एक करके। और बस यही तक था मेरे पास मेरा गोल्ड कलेक्शन। और इस बॉक्स के अंदर क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो ये वाले बॉक्स के अंदर किसी ने मेरे गोपू को गिफ्ट किया था एक चांदी का कलश है, वो कलश इतना सा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी उस कलश की, चांदी का है, जो हमें धनतेरस पे नहीं, हाँ दिवाली पे गिफ्ट मिला था मेरे हस्बैंड को दुकान पे, जो हमारे क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, जो भी है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने या फिर उनके किसी कॉलिग ने गिफ्ट किया था, तो मैं उसकी एक फ़ोटो लगा दूंगी। मुझे ये वाला बॉक्स बहुत अच्छा लगा जिस वजह से मैंने इसको रख दिया, इसके अंदर मैं अपनी चूड़ियाँ रखती हूँ। जो जो लोग इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, प्लीज़ यार आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, दूसरी वीडियोज़ को देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और सब पास ही में जो सब्सक्राइब का बेल बटन है ना उसको दबा के हमेशा के लिए मेरे फ्रेंड बन जाइएगा। सो आज का वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब फैमिली, टेक केयर एंड बाय बाय।